हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलीशा। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं कैफे स्टाइल पोटैटो वेजेस। ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसे स्नैक्स, स्टार्टर कुछ भी कह सकते हैं। ये हल्की भूख में बना सकते हैं, कभी चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं गेस्ट को। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप एक बार ये बनाकर जरूर ट्राई करें, फिर आप आलू के पकौड़े खाना भूल जाएंगे। उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप एक बार जरूर इसे बनाएं और उसका अनुभव हमारे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं पोटैटो वेजेस। इसके लिए हमने 4 बड़े आलू लिए हैं। उसको अच्छे से धोकर छील लिया था और उसे फिर जैसे फ्रेंच फ्राई होता है ना, उस शेप में मैंने काट लिया है। उससे जस्ट थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। ये हल्का फ्रेंच फ्राई से मोटा होना चाहिए। और उसको फिर पानी में हमने 10 मिनट तक भिगो के छोड़ दिया था कि सारे स्टार्च निकल जाए। उससे हमारा काफ़ी टेस्टी और अच्छा सा क्रंचीपन आता है इसमें आलू में। और उसको किचन टॉवल पर निकाल कर उसको अच्छे से हमने सुखा लिया था आलू को, कि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके लिए पेस्ट बनाएंगे। हमने इसमें लिया है 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आवश्यकता अनुसार आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और पिज्जा सीजनिंग। इसकी जगह आप ओरिगेनो भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है, इससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ऐसे ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून पानी। इसको पेस्ट बनाना है, बट पानी आप पहले 1 स्पून डालें, फिर धीरे धीरे डालें, क्योंकि हमें पेस्ट पतला नहीं करना है। पेस्ट हमारा गाढ़ा रहना चाहिए कि जब हम आलू डालें तो अच्छे से आलू में मसाला ये पेस्ट चिपक जाए। ऐसे अभी हमें यहाँ पर 3 चम्मच पानी लिया है, इसमें हमारा अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें जैसे पेस्ट इस कंसिस्टेंसी तक आ जाए। अब हम सारे आलू इसमें डाल देंगे। सारे आलू मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोट कर लेंगे कि अच्छे से मसाला सारे आलू में मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, मसाला अच्छे से सारे आलू में कोट हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है, अब ऑयल इसमें डाल दिया है, अब इसे गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बारी बारी से सारे आलू को इसमें डालेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसको सिंपल भी नहीं करना है, नहीं तो फिर अच्छे से पकेगा नहीं, सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको तेज भी नहीं करना है गैस को, नहीं तो जल जाएगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। देखिए सारे हमने डाल दिए हैं, अब इसको एक बार चला देते हैं। अब इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है आलू। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल कर किचन टॉवल पर रखेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल वो सोख लेगा। कि हम किचन टॉवल पे आलू को रख रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा ऑयल सारा सोख लेगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस से बाकी बचे आलू को भी फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप 15 मिनट में रेसिपी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए हमारा सेम प्रोसेस से
बचे हुए आलू भी हमने फ्राई कर लिए हैं, अब इसे भी किचन टॉवल पर डाल लेते हैं। अब इसे भी हमने किचन टॉवल पे डाल लिया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे प्लेट में। फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है।